हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ लियो का डे 5 यानी कल का ऑफिशियल कलेक्शन और आज कितने एडवांस बुकिंग हुआ है इस बारे में बात करूंगा। देखिए, लियो जिस तरह से चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस साल की दो जो सबसे बड़ी बड़ी फिल्म है आपका जवान और पठान, उसकी कलेक्शन के आसपास तो ये मूवी इंडिया में जरूर जाने वाला है। क्योंकि जवान का कलेक्शन था आपका 600 करोड़ के ऊपर कलेक्शन किया है और पठान ने आपका 500 करोड़ से ऊपर कलेक्शन किया है, तो ये मूवी ऑलरेडी आपका 5 दिन में 200 करोड़ से ऊपर कलेक्शन कर लिया है इंडिया में नेट। कल ये मूवी आपका 35 करोड़ नेट कलेक्शन किया है और टोटल कुल मिलाकर हो गया है अराउंड आपका 216 करोड़। तो 5 दिन में अगर 216 करोड़ होता है, अभी तक 3 दिन है क्योंकि ये मूवी एक दिन पहले रिलीज हुआ था, मतलब और भी 3 दिन मिलेगा इस वीक में, तो और इस 3 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी 300 करोड़ रीच कर जाएगा। अगर पहले वीक में आपका 300 करोड़ रीच करता है तो बहुत ही आप कह सकते बहुत ही सुविधा होगा कि 500 करोड़ तक पहुंचना, क्योंकि अभी तो कोई रिलीज नहीं है। तो 2 वीक में नेक्स्ट वीक में अगर 100 करोड़ भी आ जाता है तो 500 करोड़ तो रीच हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्राइडे से ये मूवी कितना कलेक्शन करता है इसकी। अगर ये जो कल का कलेक्शन किया है ये हुआ है आपका 35 करोड़ नेट, उसको क्रॉस में करते हैं तो अराउंड 41 करोड़ होता है और 41 करोड़ इसमें से ज़्यादा तमिलनाडु से आया है आपका 26 करोड़ ग्रॉस, केरला से आया है आपका 7 करोड़ ग्रॉस, कर्नाटक से आया है आपका 3 करोड़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आया है आपका 2.5 करोड़ और हिंदी वर्जन से आया है आपका 2.5 करोड़, टोटल हुआ है 41 करोड़। और ये 41 करोड़ के साथ जो ओवरसीज से जो अर्ली एस्टिमेट है वो अराउंड यहाँ पर 12 करोड़, टोटल कुल मिलाकर होता है ये 5 दिन में वर्ल्ड वाइड आपका देखें तो अराउंड होता है आपका 430 करोड़ के आसपास। और ये मूवी ऑलरेडी विक्रम का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है 416 करोड़ ये क्रॉस कर गया है, जो लाइफ टाइम कलेक्शन था ये ऑलरेडी भाई कलेक्शन मतलब विक्रम को भी क्रॉस कर गया है। और एलसीयू जो लोकेश कनकराज जो यूनिवर्स थी उसकी सबसे हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में पहुंच गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 500 करोड़ जेलर का भी जो तमिल फिल्म है जेलर, उसका भी जो लाइफ टाइम कलेक्शन वो भी क्रॉस कर देगा आसानी से, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज कितना कलेक्शन करेगा, आज जो एडवांस बुकिंग हुआ है, आज का एडवांस बुकिंग हुआ है अराउंड आपका 15 करोड़, तो कल आपका 35 करोड़ था तो आज 10 जरूर 5 करोड़ एक्स्ट्रा करेंगे तो 40 करोड़ नेट आज मेरा जो अर्ली एस्टिमेट है वो हो सकता है आज 40 करोड़ करे, तो टोटल आज को मिलाकर हो जाएगा आपका 256 करोड़। कल तक आपका 216 करोड़ था तो बहुत ही आसान है, मतलब 44 करोड़ रहेगा, तो 44 करोड़ 2 दिन में मुझे लगता है ये मूवी मतलब कमा लेगा, तो पहले वीक में ये 300 करोड़ रीच कर जाएगा। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि 300 करोड़ रीच कर जाएगा। ऐसे तो पहले दिन में ये मूवी आपका कलेक्शन किया था 64 करोड़ 80 लाख, नेक्स्ट डे में आपका कलेक्शन किया था 35 करोड़ 25 लाख यानी फ्राइडे को, वो दिन वर्किंग डे था, लेकिन उसकी जो कलेक्शन था और कल का कलेक्शन अराउंड सेम है, तो ये दर्शाता है कि ये मूवी काफ़ी स्टेडी जा रहा है, खास करके तमिलनाडु में काफ़ी स्टेडी जा रहा है। और ये भी देखना है कि जो भी मूवी रिलीज हुआ है आपका गणपत लाइक और टाइगर नागेश्वर, ये मूवी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इसके पास खुला मार्केट तो जनरली लोग क्या करेंगे, कोई मूवी नहीं है तो जाएगा ना देखने, ये तो यही हो रहा है। और तमिलनाडु ने तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सैटरडे में कलेक्शन किया था आपका 39 करोड़ 80 लाख और संडे में कलेक्शन किया था 41.55 करोड़, मतलब 41 करोड़ 55 लाख और कल कलेक्शन किया था आपका अराउंड 35 करोड़, तो टोटल 216 करोड़। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी पहले वीक में पहले 8 दिन में आपका 600 करोड़ कलेक्शन कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।